फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी एच के राइट डाइट विद डॉक्टर तेजी सरना, पीएचडी न्यूट्रिशन फ्रॉम इंडिया। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी निकल ही रही थी दिवाली पार्टी के लिए, बट मुझे ध्यान आया कि आपसे कुछ टिप्स शेयर करनी है। नंबर वन, दिवाली की पार्टी शाम को ही कीजिए, दिन में ना करें। दिन में आप अपना काम करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाएं, सो दैट यू कैन एंजॉय योर दिवाली पार्टी। नंबर टू, स्टे हाइड्रेटेड, कोशिश करके सारे दिन हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें। नींबू पानी लें, कोकोनट वाटर लें, लस्सी लें, छाछ लें, प्लेन पानी लें, पानी पीते रहें। बिग बोल ऑफ फ्रूट्स यू शुड हैव बिफोर गोइंग फॉर दिवाली पार्टी। दिवाली पार्टी में जाके आपकी जो प्लेट होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। ऑल द प्लेट्स ले, छोटी प्लेट सेलेक्ट कीजिए, द साइज शुड बी स्मॉल। इन दिस दिवाली टाइम डोंट फॉरगेट टू वर्क आउट। यू कैन डू वर्क आउट एट होम, गो टू जिम और इवन डांस अ लॉट इन दिवाली पार्टी। नंबर वन, डोंट पनिश योरसेल्फ। खाना पीना बिल्कुल बंद ना करें। एक्सरसाइज चालू रखें और एक्सरसाइज नहीं हो पा रही तो दिन की आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक जरूर चालू रखें, उसमें कहीं भी कटौती नहीं आनी चाहिए। नंबर टू, इंडल्ज योरसेल्फ मोर ऑन लिक्विड्स, होममेड लिक्विड्स। होममेड लिक्विड्स मतलब कि जिसमें बाजार का कुछ ना डला हुआ हो। आपका नींबू पानी, छाछ, कोकोनट जूस पी सकते हैं फ्रेश निकाल के, ये सब आप ले सकते हैं। एक्सरसाइज करते रहिए, स्लीप पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जहां टाइम मिले पार्टीज में डांस जरूर कर लीजिए। जो सबसे पहले सर्व किया जाता है वो है एपेटाइजर। अगर वो सूप है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इट इज यूजुअली एरिएटेड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस। अगर दोनों में सिलेक्शन करना पड़े तो आपको फ्रूट जूसेस सेलेक्ट करने चाहिए, फ्रेश फ्रूट जूसेस एज कम्पेयर टू दीज एरिएटेड ड्रिंक्स। कारण, फ्रूट जूसेस में न्यूट्रिशन तो रहेगा थोड़ा सा, although this is also an evil, but we have to select between the two evils. तो बेटर ये रहेगा कि आप फ्रूट जूस सेलेक्ट कीजिए और उस फ्रूट जूस को आप आधे से एक घंटा लगा के आप एक ग्लास खत्म कीजिए। Next comes the main course. सब खाइए, टेस्ट सब कीजिए, have a bite of each and everything that is served. उसने बहुत मेहनत से बनाया होता है, but do not overload yourself, do not eat to the brim. थोड़ा सा खाइए और enjoy कीजिए उसको। And finally the desserts. कोशिश करके जितने भी desserts हैं आपको सर्व किए गए हैं उसमें से दो priority select कीजिए, सिर्फ दो desserts लीजिए आप। Desserts पे बहुत अच्छी एक वीडियो है मेरी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप दिवाली पे ध्यान रखेंगे तो आप गिल्ट फ्री दिवाली मना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बेस्ट वे टू फिनिश दिस दिवाली मिठाई विदाउट गेनिंग वेट इज हैव देम ओनली इन ब्रेकफास्ट। इनको सिर्फ ब्रेकफास्ट में ले या मैक्स टू मैक्स 11 बजे वाले स्नैक के टाइम पे। लंच और डिनर में इनको खाना अवॉइड करें। मॉर्निंग में लेने से होगा क्या कि आपके पास पूरा दिन रहेगा उसको बर्न करने के लिए, उन कैलोरीज को यूज अप करने के लिए बॉडी में। तो ध्यान रहे, दिवाली की मिठाई सिर्फ दिन में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ। It's Diwali time, it's time to eat sweets, enjoy crackers and meet and greet your friends. Tip number one to stay healthy during Diwali is whenever you leave for Diwali parties, do not leave empty stomach. If your stomach should be half full, that means whenever you go to a party, you need to have a salad or a soup or some kind of smoothie before you leave your home. Best is having apples before going. Second important thing, in the party you need to control your portion, have small portion size, and remember your drink should continue for 1 hour. That means one glass for 1 hour and then you change your glass or refill it. Avoid having packed juices, ask for fresh juice or fresh lime soda. ऐसे ही और practical tips के साथ मैं आ रही हूँ। Keep enjoying the Diwali parties. See you soon in some of the Diwali parties.